हेलो माय डियर फ्रेंड, आपको मेरा प्रणाम। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप हमेशा अपने परिवार के साथ खुश व स्वस्थ रहें। ईश्वर से यही मेरी शुभकामना है कि आपका परिवार कभी भी अस्वस्थ ना हो। दोस्तों, आज आपको प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण हाई क्वालिटी प्रोटीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये प्रोटीन आपके शरीर को स्वस्थ रखने में काफ़ी मददगार होंगे। सबसे पहले तो यह जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन क्या है और शरीर में इसकी ज़रूरत क्यों होती है। प्रोटीन भोजन का एक परम आवश्यक तत्व है जो शरीर के अति महत्वपूर्ण कार्यों में जुटा रहता है, जैसे कि जीव कोशों में वृद्धि, उनका निर्वाह और उनकी मरम्मत, पाचक रसों हार्मोन्स और ऊर्जा उत्पादन करना आदि। प्रोटीन की बात करें तो नॉनवेज डाइट में प्रोटीन से भरे फूड की कमी नहीं है, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि वेजिटेरियन फूड में उच्च प्रोटीन उपलब्ध नहीं है। उच्च प्रोटीन दालों में, दूध व दूध से बने उत्पादनों में, मेवे और कुछ सब्जियों में ज़्यादा मिलते हैं। आइए जानते हैं कि वेजिटेरियन में हाई क्वालिटी फूड में मुख्यतः क्या-क्या चीज़ें शामिल की जा सकती है। सोयाबीन और उससे बने उत्पाद शाकाहारी लोगों के लिए हाई प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करने का सबसे बड़ा, सबसे सस्ता और आसानी से हासिल होने वाला प्रोडक्ट है। सोयाबीन का प्रयोग आटे के रूप में, उबाल कर सलाद के रूप में, इसका चूरा सब्जी कबाब आदि के रूप में, सोयाबीन मिल्क और टोफू के रूप में किया जाता है। इन सभी चीज़ों में हाई प्रोटीन मौजूद रहता है। 100 ग्राम सोया चूरा में लगभग 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन पाया जाता है। यह तो सबको मालूम है कि दूध से बने सभी उत्पाद सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं, पर पनीर की बात करें तो दूध को फाड़कर इसे बनाया जाता है। इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट और वसा भी मौजूद रहता है, कैल्शियम भी खूब होता है। 100 ग्राम पनीर से लगभग 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। दूध के बारे में सर्वविदित है कि जो पिए दूध उसकी हड्डियां हो मजबूत। बेज प्रोटीन में दूध सबसे ऊपर होना चाहिए। 100 मिलीलीटर दूध से लगभग 4 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। यदि आप आधा लीटर दूध पीते हैं तो आपको लगभग 20 ग्राम प्रोटीन आसानी से प्राप्त होगा। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी के लिए यह अच्छी क्वालिटी का फूड है, पर कुछ लोगों को दूध नहीं पचता है तो उन्हें दूध के अलावा अन्य चीज़ें सेवन करना चाहिए। मूंगफली को गरीबों का मेवा कहा जाता है, पर इसमें भी काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है। महज 100 ग्राम मूंगफली से लगभग 26 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। जिनको प्रोटीन की ज़रूरत है वे पीनट बटर का भी सेवन कर सकते हैं। यह कम बजट में अच्छा प्रोटीन है। बस ध्यान रहे कि मूंगफली में प्रोटीन के साथ साथ वसा भी बड़ी मात्रा में पाया जाता है। काला चना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। काले चने का सेवन करने से हाई प्रोटीन प्राप्त होता है। इसे आप भिगो कर खाएं, उबाल कर खाएं, सब्जी बनाएं, फ्राई करें, भूनें या जो मर्जी हो करें, मगर इसे खाने में ज़रूर शामिल करें। 100 ग्राम चने से लगभग 15 ग्राम प्रोटीन के अलावा अच्छी क्वालिटी का फाइबर भी प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिन्हें कद्दू अच्छा नहीं लगता, मगर इसके बीजों में प्रोटीन और मैग्नीशियम बहुतायत पाया जाता है। 100 ग्राम बीज में 19 ग्राम प्रोटीन और ढेर सारा मैग्नीशियम होता है। इसका सेवन आसानी से किया जा सकता है। रोस्ट करिए और स्नैक की तरह से इसे खाइए। बादाम और काजू से हाई क्वालिटी का प्रोटीन प्राप्त होता है। 100 ग्राम बादाम से लगभग 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह महंगा है, पर इसमें मिनरल्स भी खूब होते हैं। यह बच्चों, बूढ़ों और जवानों सभी के लिए अच्छा है। काजू की बात करें तो उसमें बस एक खामी है कि फैट कंटेंट
ज़्यादा पाया जाता है, पर जिनको वज़न बढ़ाना है या कसरत करते हैं उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। महज 100 ग्राम काजू में 533 कैलोरी और 44 ग्राम फैट होता है। प्रोटीन भी 18 ग्राम पाया जाता है। मूंग, उड़द और राजमा दालें कोई भी हो, पर मूंग और उड़द की दाल में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मूंग की महज 100 ग्राम दाल में 24 ग्राम प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। इससे किसी तरह की बदहजमी नहीं होती है। उड़द की दाल भारी होती है, पर जिनका हाजमा अच्छा है वे इसे ज़रूर खाएं। 100 ग्राम उड़द की दाल से 25 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन के साथ साथ उड़द की दाल आयरन का भी अच्छा स्रोत है। राजमा में भी हाई क्वालिटी का प्रोटीन मिलता है। इसे चावल, रोटी, नान आदि किसी के साथ भी खा सकते हैं। कई ऐसी सब्जियां हैं जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मटर को ही ले लें, इसको पोषक तत्वों के पावर हाउस के रूप में माना जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारी शाकाहारी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड, चौलाई के दाने, काबुली चने आदि, जिनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। बस ज़रूरत है उसे जानने की और सही तरीके से खाने की। हमें हर दिन के भोजन में प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा, मजबूत और ऊर्जावान रहे। प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जोड़ों में दर्द होता है, हर वक्त थकान सी लगती है, शरीर में कोई घाव हो जाने पर उसके भरने में बहुत देरी लगती है तथा इसका असर बाल और नाखूनों पर भी दिखाई पड़ता है। इसलिए आपसे अपेक्षा है कि स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में हाई क्वालिटी का प्रोटीन जरूर समावेश करें तथा नियमित रूप से व्यायाम, योगा, प्राणायाम करें। आप अवश्य निरोगी रहेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मित्रों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करने का कष्ट करें तथा अपने इष्ट मित्रों व विशेष रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकें। आपने अभी तक प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, जिससे मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।